नमस्कार दोस्तों सीनियर सिटीजन होना अपने आप में सम्मान एवं गौरव का विषय है परंतु एज अ सीनियर सिटीजन एक बहुत बड़ा चैलेंज किसी भी व्यक्ति के सामने होता है एक आय का स्रोत होना या आय का मुख्य जरिया होना बेसिकली उन सीनियर सिटीजन के लिए मैं अगर बात करूं जिनके पास में किसी प्रकार की फिक्स पेंशन इनकम नहीं है और आय का कोई और स्रोत भी नहीं है उनके लिए रिवर्स मोर्गेज की स्कीम किस प्रकार बेनिफिशियल हो सकती है आज की इस वीडियो में यह छोटा सा डिस्कशन लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं तो दोस्तों सबसे पहले वाई रिवर्स मोर्गेज रिवर्स मोर्गेज क्यों आया या रिवर्स मोर्गेज की जरूरत क्यों पड़ी जो मैंने पहले आपके साथ में बात करी कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके पास में आय का एक मुख्य स्रोत नहीं है और उन्हें अपनी वृद्धावस्था में गुजारा करना है किसी प्रकार से एक रेगुलर अर्निंग चाहिए या रेगुलर फ्लो ऑफ मनी चाहिए उनके लिए रिवर्स मोर्गेज की स्कीम ईयर 2007 में आरबीआई द्वारा लाई गई थी यह स्कीम क्या कहती है सर मैं इसे आपके सामने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ रहा हूं रिवर्स मोर्गेज इज अ फंडिंग रिवर्स मोर्गेज इज अ फंडिंग स्कीम अंडर विच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक एक्सेट्रा इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ओन बाय द सीनियर सिटीजन बोरोवर एंड बेस्ड ऑन सच वैल्यू प्रोवाइड्स मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली पेमेंट टूवर्ड्स द लिविंग कॉस्ट ऑफ सच पर्सन इन सच लोन हाउ एवर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिस्बर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कैपिटलाइज एंड रियलाइज अलॉन्ग विद प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ फाइनल रीपेमेंट और ऑन द रिकवरी ऑफ लोन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द रिलेवेंट बर अब आप इस बात को फिर एक सार के रूप में समझिएगा कि मान लीजिए मैं किसी सीनियर सिटीजन को जानता हूं जिनकी उम्र सिक्सटी फाइव ईयर्स है उनके पास में कोई आय का मुख्य स्रोत नहीं है परंतु वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहते हैं जिसकी वैल्यू एक करोड़ है वो उस प्रॉपर्टी को बेचना भी नहीं चाह रहे किसी वजह से अगर मान लीजिए उनकी कोई संतान नहीं है या संतान है परंतु वो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो ऐसी परिस्थिति में वो सीनियर सिटीजन बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक को कहेंगे कि साहब मेरी ये प्रॉपर्टी पर मैं रिवर्स मोर्गेज कराना चाहता हूं अब उससे क्या होगा सर बैंक उनकी प्रॉपर्टी का एक इवेल्युएशन करेगा और इवेल्युएशन करके से बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी का एक कंजर्वेटिव साइड वैल्यू निकाला सत्तर लाख अब बैंक क्या करेगा उनकी जरूरत के हिसाब से कि मान लीजिए इन सीनियर सिटीजन महोदय की एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि मुझे महीने का मेरा और मेरी वाइफ के लिए बीस हजार रुपए का अमाउंट मिल जाए तो बैंक ये देखेगा क्योंकि अगले दस साल के लिए या अगले पंद्रह साल के लिए हम उनको अगर बीस बीस हजार रुपए फंड करते रहते हैं तो इस प्रकार हम टोटल उनको 10 साल या 15 साल में इतना पीरियड प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट में दे सकते हैं तो सर रिवर्स मोर्गेज क्यों नाम लिया गया इस स्कीम का बिकॉज इस स्कीम में आपने अपनी संपत्ति को बैंक के पास में बंधक रखा और जहां लोन होता है वहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रखकर के एक साथ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं और ई के रूप में पेमेंट करते हैं लेकिन सीनियर सिटीजन को रिवर्स मोर्गेज स्कीम में लोन के रूप में एक साथ पैसा न मिल करके मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली किस्तों में पैसा मिलता है उस पैसे से वो अपना जीवन यापन करेंगे उन्हें उस पैसे को आजीवन चुकाने की जरूरत नहीं है हां अगर उनके पास बीच में कहीं से पैसा आ जाए तो वो उस पैसे को चुका दे और अगर पैसा नहीं आए तो किसी वजह से उनकी जब मृत्यु होगी तो उस मृत्यु के उपरांत उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके बैंक वो पैसे को वसूल कर लेगा ये रिवर्स मोर्गेज की एक महत्वपूर्ण स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए मैंने आपके सामने रखी तो सर जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया इससे क्या बात निकल करके आई कि एसेंशियल्स ऑफ अ रिवर्स मोर्गेज स्कीम कुड बी वन शुड बी अ सीनियर सिटीजन यानी बोरोवर की आयु 60 इयर्स या उससे अबाव होनी चाहिए शी और ही शुड बी ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी उनकी कोई मकान संपत्ति उनके ऑनरशिप में होनी चाहिए प्रॉपर्टी शुड बी फ्री ऑफ एनक्रेंसेस और चार्ज यानी उस संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई चार्ज या प्रभार ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होना चाहिए अब दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूं key features as per RBI guidelines. RBI की फीचर्स एज पर आरबीआई गाइडलाइंस क्योंकि आरबीआई द्वारा रिवर्स मोर्गेज की स्कीम लाई गई जैसा मैंने कहा और सीनियर सिटीजन्स के लिए बेनिफिट के लिए स्कीम आई तो आरबीआई ने इस स्कीम के क्या मुख्य बिंदु रखे या क्या मुख्य फीचर्स रखे द एज ऑफ द बोरवर्स शुड बी सिक्सटी ईयर्स और अबाव को बोरोवर बींग स्पाउस शुड बी अबाउव 58 इयर्स ठीक है तो जो मुख्य बोरोवर हैं जो मुख्य उधार लेने वाले पर्सन हैं उनकी आयु साठ साल और उनकी जो स्पाउस जीवन जीवनसाथी हैं उनकी आयु मिनिमम अट्ठावन साल होनी चाहिए प्रॉपर्टी जिस पर ऐसा रिवर्स मोर्गेज दिया जाएगा वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्रॉपर्टी शुड बी परमानेंट प्राइमरी रेजिडेंस ऑफ द बोरोवर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बैंक इसी बात को देखते हुए लोन दे रहा है कि आप एज अ सीनियर सिटीजन उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं 60% परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू शुड बी हाईएस्ट लोन अमाउंट यानी जो हाईएस्ट लोन अमाउंट होगा उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और उसका 60% परसेंट वैल्यू बैंक एज अ लोन ओवरऑल टेन्योर में आपको करेगा कुछ और फीचर्स दोस्तों आपके सामने आगे रखता हूं जैसे टेन्योर ऑफ द लोन रेंजेस बिटवीन टेन टू फिफ्टीन ईयर यानी जो आपको टोटल लोन का टेन्योर होगा दस से पंद्रह साल की अवधि का होगा सच लोन कैन बी डिस्बर्स मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली आपको यह लोन किस्तों में मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली क्योंकि आप समझें कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था बीस बीस हजार रुपए मंथली गुजारा बसर करने के लिए उन सीनियर सिटीजन महोदय को चाहिए जिनकी एज सिक्सटी फाइव ईयर है तो बैंक उन्हें बीस बीस हजार करके हर मंथली देता रहेगा जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके एवरी फाइव ईयर द प्रॉपर्टी रिवेल्युएशन शुड बी ऑप्टेन एंड इंटरेस्ट रेट ऑन लोन कैन बी फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट यानी हमें यह नहीं समझना है कि यह विदाउट इंटरेस्ट लोन है बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो रिवर्स मॉर्गेज में बैंक एक सीनियर सिटीजन को पैसा दे रहा है वो पैसा लोन है और उस पैसे को बैंक को रिकवर करना है तो बैंक नेचुर जो पैसा डिसबर्स कर रहा है हर मंथली किस्त या हर क्वार्टरली किस्त जो बैंक ने दी है सीनियर सिटीजन को वो बैंक की ओर से दिया गया लोन है और बैंक उस पैसे को भविष्य में ब्याज सहित रिकवर करेगा और ये ब्याज की रेट दोस्तों फिक्स रेट भी हो सकती है फ्लोटिंग रेट भी हो सकती है अब मैं आपके सामने बात रखता हूं कि व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ अ रिवर्स मोर्गेज ये जो रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम है इसके संबंधित जो टैक्सेशन इनकम टैक्स के इंप्लीकेशन है वो क्या हो सकते हैं पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या मैं ये मान लूं क्या कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी रिवर्स मोर्गेज में रखी तो मैंने बेच दी ऐसा कतई ही नहीं है ठीक है अगला पॉइंट आएगा कि जो अमाउंट मुझे आप पीरियोडिकली मिल रहे हैं कहीं वो टैक्सेबल तो नहीं हो जाएंगे एज अ सीनियर सिटीजन आंसर इज नो क्योंकि आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं सर वो तो लोन है वो इनकम थोड़ी ना है तो वेदर द पीरियडिक पेमेंट्स आर लोन और इनकम दे आर लोन एंड इफ दे आर लोन वेदर द इनकम टैक्स वुड बी एप्लीकेबल ऑन सच अमाउंट रिसीव आंसर वुड बी अ क्लियर नो यानी किसी प्रकार से आपको उस लोन अमाउंट पे इनकम टैक्स नहीं देना कैन इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स टैक्सर क्योंकि अभी मैंने आपके सामने बात रखी कि सर ब्याज तो बैंक को आपको अल्टीमेटली देना है तो क्या वो इंटरेस्ट का वो सीनियर सिटीजन डिडक्शन ले सकते हैं क्या आंसर इज नो क्योंकि अभी आप इंटरेस्ट का भुगतान ही नहीं कर रहे इंटरेस्ट का भुगतान तो जब लोन पूरा हो जाएगा तब आपको करना है या वो प्रॉपर्टी से रिकवर होगा तो ऐसी परिस्थिति में वो इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल नहीं है अगला प्रश्न वेदर एनी कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी शेल अराइज इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू रिकवर द ड्यूज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि इस पर्टिकुलर रिवर्स मोर्गेज की स्कीम में सीनियर सिटीजन को जनरली अपने जीवन काल में लोन नहीं चुकाना जब तक वो स्वयं ना चाहे हां अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु पर बैंक उनके जो क्लोज किथ एंड किन होंगे से उनके बच्चे हैं या जो उनके वारिस हैं उनसे कहेगा कि साहब आपके पास ऑप्शन है आप इस लोन को मैं ब्याज चुका दीजिए प्रॉपर्टी आप ले लीजिए वो कहते हैं नहीं सर हम नहीं कर सकते ऐसा तो कोई बात नहीं बैंक उस परिस्थिति में प्रॉपर्टी को बेचेगा जो उन्होंने लोन दिया है मैं ब्याज उसको रिकवर कर लेगा और बाकी के जो पैसे बचेंगे वो उनके सक्सेसर या लीगल हायर को दे दिए जाएंगे तो जब बैंक सर उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उस समय उन व्यक्ति के बिहा पर वो प्रॉपर्टी बिकी है तो उनके लीगल हायस के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि मान लीजिए सीनियर सिटीजन महोदय बीच में ही उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंटिन्यूएंस तो क्या उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचे स्वयं उसका कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी दे और बैंक का भी जो लोन विद इंटरेस्ट है वो चुका करके उस लोन को समाप्त कर सकते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका कुछ आंसर मैंने पहले से दे दिया हाउ रिवर्स मोर्गेज अमाउंट इज पेड ऑफ सर तो ये अमाउंट जैसा मैंने पहले बोला सर कि आपको एज अ सीनियर सिटीजन इसके पेमेंट की चिंता नहीं करनी जब तक आप जीवित हैं आप उस पैसे को एंजॉय करें अपना गुजर बसर उससे चलाएं और किसी वजह में उस पर्टिकुलर पर्सन की मृत्यु पर प्रॉपर्टी की वैल्यू से वो रिवर्स मोर्गेज का अमाउंट जो विद इंटरेस्ट है रिकवर कर लिया जाएगा वेदर इट नीड्स टू बी पेड ऑफ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि जैसा मैंने पहले बोला कि आरबीआई गाइडलाइंस कहती हैं दस साल या पंद्रह साल की अवधि का ये लोन होगा तो मान लीजिए जिन्होंने 65 फाइव ईयर्स पर लोन लिया 75 फाइव ईयर्स पर लोन मेच्योर हो गया तो क्या ऐसी परिस्थिति में अब उन्हें पे करना है उनके पास तो सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं।, नहीं सर अगर आप लोन के टेन्योर को आउटलिव कर जाते हैं यानी उससे ज्यादा भी दे जी जाते हैं तो आर कहती है कि सर ऐसी परिस्थिति में आपको उस लोन को चुकाने की आवश्यकता नहीं है हां वो लोन में ब्याज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा वॉट इफ द बोरोवर डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द लोन टेन्योर अगर लोन टेन्योर से पहले बोरोवर की मृत्यु हो जाती है तो जैसा मैंने पहले बोला सर कि जो क्लोज किथन हैं, किन हैं, लीगल हायर है वो उस प्रॉपर्टी के ड्यू अमाउंट का भुगतान कर देंगे और ऐसी परिस्थिति में उनका भुगतान कर दिए जाने के बाद में प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी या वो अगर भुगतान करने की पोजीशन में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक प्रॉपर्टी बेचेगा अपना लोन इंटरेस्ट रिकवर करेगा और बाकी का पैसा लीगल हायर्स को दे देगा ऐसा भी हो सकता है कि बोरोवर की मृत्यु हो जाए पर को बोरोवर अभी भी अलाइव है तो कोई दिक्कत नहीं है सर जब तक को बोरोवर लाइव है तब तक उनके लिए आगे बैंक लोन देता रहेगा व्हाट इफ द प्रॉपर्टी रियलाइजेस हायर अमाउंट देन द लोन एंड इंटरेस्ट ये भी मैंने आपको आंसर दिया कि अगर आपकी रिकवरी ज्यादा है बेचने पर बैंक को लोन और इंटरेस्ट से तो बाकी के पैसे जो लीगल हायर्स को है वो दे दिए जाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि रियलाइजेशन कम हो तो क्या लीगल हायर उस पर्टिकुलर लोन और इंटरेस्ट को देने के लिए लाइबल है क्या इस विषय में स्पष्ट बात आरबीआई गाइडलाइंस में नहीं है पर मैं ऐसा मानता हूं सर कि बैंक टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मोर्गेज ही रिकवर करेगा उससे ज्यादा रिकवरी की पोजीशन मेरी ओपिनियन में बनती दिखती नहीं है मैं आशा करता हूं दोस्तों रिवर्स मोर्गेज पर बनाई गई ये वीडियो आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में सहायक रहेगी अगर आपके आसपास कोई सीनियर सिटीजन हो जिन्हें इस प्रकार की किसी फंडिंग स्कीम की रिक्वायरमेंट हो आप उन तक इस स्कीम को पहुंचाएं और उन्हें हेल्प करें कि वो अपना सीनियर सिटीजनशिप सम्मान के साथ जी सके इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद